इंग्लिश रो नुआ नुआ वीडियो देखिबा कोले मो चैनल सुधीर सर इंग्लिश को सब्सक्राइब करंतु पाकर तबा बेल आइकन को ऑन करंतु एवं वीडियो को लाइक कमेंट आउ शेयर करंतु। डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। पिला माने फ्रॉम द फॉर्मालिन जार रो वीडियो कंप्लीट हो जाइछि, विषय शेष हो जाइछि। तुम समस्ते देखिथिबो, जो माने देखिनो डिस्क्रिप्शन को जाइके लिंक ऊपर क्लिक करके वीडियो देखिनियो। एरो वर्ड्स मीनिंग बा ग्लोसरी आमे डिस्कशन करथिले, ता सहित आमे किछ क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कशन करथिले। इफ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम जहाँ अच्छे तार 26 पर्यंत आमे डिस्कशन करथिले। आज आमे जी तापर बा 26 पर जहाँ अच्छे डिस्कशन करबा, किंतु इम्पोर्टेंट कथा होची कि एई चैप्टर रो नोट अति सुंदर नोट हेछि तुम पई, जे तुम डाउनलोड करिनो ताले एबे तुमको डाउनलोड करयाक होबो। काहेकि जो नोट रे तुम बहुत जिनस पाइपर स्टांजा वाइज वार्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर सब पाइपर, तेणु निश्चित भाव डाउनलोड करवा दरकार। समस्ते डाउनलोड करनियो और यही वीडियो को मध्य समस्ते मन दे देख और निज फ्रेंड्स मान सहित आपको सेयार कर, बुझे कारण आम सब आज कंप्लीट करद। टोटाल चैप्टर कंप्लीट ही आज हो। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डोनेटेड विकीज ब्रेन टू द मेडिकल कॉलेज। विकीर ब्रेन को किए डोनेट करते मेडिकल कॉलेज को। हाउ इज इट प्रिजर्वड एंड यूज, केमती प्रिजर्व हो संरक्षण एवं व्यवहार होती। आंसर पिकिस पेरेंट्स, विकीर पितामाता मस्ट हाव डोनेटेड दिस डोनेटेड हिज ब्रेन टू द मेडिकल कॉलेज। हु विकीज पेरेंट्स, वेरी सिंपल। इट इज प्रिजर्वड इन ए फॉर्मालिन जार, यह एक फॉर्मालिन जार रखाई एंड यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, एवं मेडिकल कॉलेज पिला व्यवहार करा हुए। टू आक्वायर मोर नॉलेज ऑन द ह्यूमन ब्रेन, टू आक्वायर मोर नॉलेज ऑन द ह्यूमन ब्रेन। ओके नंबर टू, व्हाट डज द लाइन ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन एक्सप्रेस, ये लाइन रो माने कौन। ओके द लाइन ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन एक्सप्रेस इज दैट द ब्रेन इज प्रिजर्वड इन फॉर्मालिन, द ब्रेन इज प्रिजर्वड इन फॉर्मालिन एंड डिस्प्लेड इन सी थ्रो जार। द डॉक्टर्स एंड द स्टूडेंट्स हु स्टडी मेडिकल साइंस लुक आट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इनक्रीज देयर नॉलेज अबाउट इट। पे मुझे ये पढ़ देखिए तुम्हें पांच पांच लिखाए शुण मन रख एवं निश्चित भाव में बारंबार शुणिले तुम मन रही जीव, तेणु मु जोर रे बहुत जोर रे कह बाध्य हो। ओके तुम बारंबार शुणिपार पे मो कथबार्ता ही सेमती मुमती ही कहे धीरे धीरे कहीहब ना। ओके कहीं बहुत लॉन्ग भी हो जाए वीडियो, तुम्हें एत लॉन्ग वीडियो देखा चॉइस करुन पसंद करुन मुझे जानी, से बारंबार देखिपर अल्प समय कराऊँगी जिते बड़े भी मन पड़ू पढ़ी नियो रिविजन हो शुणिले बेटर मन रहिबो। ओके नंबर थ्री, ह्वाट इज कॉल्ड ए स्पेसीमेन, व्हाय इज द ब्रेन प्रिजर्वड आज ए स्पेसीमेन। आंसर कौन ना, ए स्पेसीमेन इज एन एग्जांपल और सैंपल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग एस्पेशियली इंटेंडेड टू बी स्टडीड बाय एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट और टू बी टेस्टेड फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पजेस। मन रोचे द ब्रेन इज प्रिजर्वड आज ए स्पेसीमेन सो दैट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स कैन नो मोर एंड मोर अबाउट इट बाय ऑब्जर्विंग इट अगेन एंड अगेन। पे मैंने ये क्वेश्चन तुम एग्जाम आसब ना, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसो जहाँ तुम नोट्रे अच्छे बहि केवल प्रैक्टिस दिखाई मुझ कहूनी जो बही क्वेश्चन दरकार ना बोली, कि आम प्राक्ट करनेटा बेटर कितु क्वेश्चन परीक्षापी जो आसो से भाया क्वेश्चन तुम नोट्रे अति सुंदर भाव में दिखाई बहुत गुड़े क्वेश्चन प्रिपेयर कराई तुम्हें केमती जानव केवल नोट डाउनलोड कले ही जानव, तेणु नोट निश्चित भाव में डाउनलोड करा पड़ो तुमको। ओके नंबर फोर, हाउ वाज द ब्रिलियंट ब्रेन ए पार्ट ऑफ ए लिविंग ह्यूमन टू इयर्स एगो, केमती गोटे पार्ट थी ह्यूमन बीइंग रो लिविंग ह्यूमन रो टू इयर्स एगो से ब्रिलियंट ब्रेन टी। वेरी सिंपल आंसर, आंसर हूँ ए ब्रेन कैन नॉट इटसेल्फ बी एन ऑर्गेनिज्म। ओके इट कैन बी ए पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग सो लॉन्ग द लिविंग बीइंग इज ए लिव, निजे गोटे पार्ट हो पारे निजे गोटे हो पार कि ब्रेनटा ऑर्गेनिज्म हो पार ना, कि जेपर्यंत से मनुष्य थी से पर्यटन पार्ट हो ना। द ब्रिलियंट ब्रेन बिलोंग टू विकी ए ह्यूमन बीइंग दस इट वाज ए पार्ट ऑफ लिविंग ह्यूमन टू इयर्स एगो। ओके नंबर फाइव, व्हाट डज द फ्रेज येट एंडेड अप इन दिस जार मीन टू यू, ये जो फ्रेज अच्छी येट एंडेड अप इन दिस जार आ माने कौन। टू एंड अप मीन्स जानचे टू रिच और कम टू ए प्लेस, आ माने हूँ टू एंड अप टू रिच और कम टू ए प्लेस कंडीशन और सिचुएसन दैट व्वाज नट प्लांड और एक्सपेक्टेड। इफ विकी हाड बीन लिव
his brain would not have been preserved in the jar. यदि बिकी बचता ता ब्रेन टा कहीं जार रखाई था हाँ कि नहीं. ओनली आफ्टर बिकी डेथ इट केम टू द जार. बिकी मृत्यु पर ही केवल जार भितर को आसी. ओके नंबर फाइव कम्प्लीट. वन रू फाइव आउ थे तुम शुणी मन रखिपार प्लेबैक् करके शुणी नियो पाला निश्चित भाव में. नंबर सिक्स व्हिच एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट बिकी वाज हार्डवर्किंग. कौ एक्सप्रेस दर्शाऊ जे बिकी हार्डवर्किंग बोली ना. हिज मोटो इन लाइफ वाज नो पेन नो गेन. ये आम जानपरचे ना कि हिज मोटो इन लाइफ वाज नो पेन नो गेन. दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट बिकी वाज हार्डवर्किंग. व्हाई डज द पोएट से. नंबर सेवेन. व्हाई डज द पोएट से ओनली आई कुड एक्सप्लेन. केवल मुँह ही एक्सप्लेन करपरि. हियर आई रिफर्स टू द ब्रेन नॉट टू द पोएट. ओके हम जानचे द पोएट सेज दिस बिकॉज सी नोज दैट ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हिच कंट्रोल्स थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पेशियली द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन. केवल ब्रेन ही सबकि फिलिंग करना आम शरीर सबकि कंट्रोल करें आम जानचे. नंबर एट. सुड ही कनसीडर सच डिमाइज बाय चांस और बाय चॉइस. वी सुड कनसीडर सच डिमाइज बाय चांस. बाय चांस हो गला बाय चॉइस नुह. ओके बाय चांस नॉट बाय चॉइस. नंबर नाइन. द पोएट यूजेस फ्लैशबैक व्हिच इज ऑफन यूज्ड टू रिकाउंट इवेंट्स दैट हैड हैपेंड बिफोर द स्टोरी स्टार्टेड. व्हिच स्टांजा टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड व्हिच वन्स द प्रेजेंट इंसिडेंट. स्टांजा थ्री फोर फाइव टॉक्स अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड स्टांजा वन टू टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट इंसिडेंट. ओके फाइंड द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड आम कौन रही. नंबर टेन. राइमिंग वर्ड हो डिस्टेन अगेन ह्यूमन साग्रन रेन गेन केन एक्सप्लेन लेन हिन्वान एंड पेन भेन. नंबर इलेवेन. व्हाई डज द पोएट यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट टू वर्ड्स इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. कहीं यूज कर द पोएट यूजेस कैपिटल लेटर्स कहीं फॉर द फर्स्ट टू वर्ड्स इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम बिकॉज ही वांट्स टू एम्फासाइज ऑन व्हाट ही सेज. से जहाँ कहते से जोर देवाई कहते दैट इज टू ड्राइव सेफ. बुझ यू रीड एंड अंडरस्टूड द पोएम. तुम्हें बुझल पढ़ल बुझल. डू यू लाइक द टाइटल ऑफ द पोएम. व्हाई व्हाई नॉट. कैन यू सजेस्ट अनदर टाइटल ऑफ द पोएम. टाइटल आउट कौन दे पारे. येस आ गोटे हूँ सेफ ड्राइव सेफ लाइफ. बुझे पे एज रे जहाँ अच्छी लेट्स लर्न एंड स्पीक तुम्हें इजिली कर पाने जो एक्स ट्रिपल आई पर्यटन देखिए तेरटी क्वेश्चन तादर कही कतोटी राइट अच्छे कतोटी रंग अच्छे. ओके तुम तक मन देखिए पढ़व जोटाक राइट तो राइट किसी करार नहीं जो रंग राइट करके लिखा. ओके फास्ट तक देखिए बिकिस ब्रेन व्वाज सिटिंग इन द फॉर्मल इन जार विथ प्लेजर एंड रेस्पेक्ट. ठीक कि नो विथ प्लेजर एंड रेस्पेक्ट हम ना कौन हम विथ डिस्प्लेजर एंड डिसरेस्पेक्ट आउ सब सेम रहा आंसर हम बिकिस ब्रेन व्वाज सिटिंग इन द फॉर्मल इन जार विथ डिस्प्लेजर एंड डिसरेस्पेक्ट. द ब्रेन डिड नॉट लाइक द पीपल स्टेयरिंग एट हिम. इट राइट अच्छे पे इजिली कर. द ब्रेन फेल्ट इनसल्टेड टू बी ए स्पेसिमेन फर अदर्स. एटा भी राइट अच्छे पे ठीक अच्छे. आई भी बिकी वाज स्ट्रंग एंड स्टंट यंग मैन. ठीक अच्छे पढ़ले राइट. एटा भी मध्यम से ही वाज गुड आट मैथ एंड कंप्यूटर. पढ़ीचे राइट. भी आई देख ही बिलीव्ड इन टेकिंग पेन टू सक्सेड इन लाइफ. राइट हाँ कि ना. कि भी डबल आई देख लिखाई हि लाइक नाइदर हिज ग्रांड मदर नर हर रिंकल्स एंड स्टिक. भल पा ना कि भल पाला कि रंग हम करेक्ट कौन हम ना ही लाइक हिज ग्रांड मदर एज वेल एज हर रिंकल्स एंड स्टिक. बुझे बाकी तो तुम निजे चेस्ट कर और नोट डाउनलोड कर पाने से नोट्रे हिं तुम्हें पाइज डिटेल्स. ओके ना ना कौन अच्छे बहुत सहज पे टाइम वेस्ट करूना ही पे तुम तुम्हें इजिली नोट डाउनलोड कले से पढ़ी पार मुझे बुझेदे केमी हो प्रोनाउंस करा सब वर्ड गुड़ाक पढ़ा आम केमती ना डिस्टेन गेन एगेन ह्यूमन सेन रेन इनसेन केन एक्सप्लेन मुंडेन रिफ्रेन इनह्यूमेन पेन पेन लास्ट हूँ इन भेन. ओके यहाँ तुम्हें पढ़व सीटा निजे पढ़ की प्रैक्टिस कर पाने कि वार्ड जी अच्छी तुम्हें नोट कर. तापर देख कि लिखाई पेनाल्टी कौन कौन रखाई रोड ऑफेंस रो जहाँ तुम्हें जाच बर्तमान यहाँ भी जाना दरकार कहीं जो दुई तीन वर्ष पर तुम्हें ड्राइव करते तुम बहुत दरकार हे. जनरल हूँ 500 रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन वायलेशन जो तुम रोड सड़क किसी नियम उल्लंघन करुच तेल तुमको 500 देवाक पड़ो. ओके से भाई लिखाई ड्राइविंग के लाइसेंस ड्रिंक एंड ड्राइव मद बिगाड़ 10,000
ଦେଖିପାର ତୁମେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ କଲେ ତଳେ ଅଛି 50 ନମ୍ବର 1000 2000 ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତୁମେ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ହେଲେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସବୁ ବଢ଼ାଲେ ଜାଣିବ ବା ଏବେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଏଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ଓକେ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ 1000 ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ ରାଇଡ୍ ଏ ବାଇକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ 1000 ତେଣୁ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ସେମିତି ନୋଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ନୋଟ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ତୁମ ପାଇଁ ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିମ୍ବଲ୍ କିଛି ଦିଆହେଇଛି ହଁ କି ନାହିଁ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କର୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କର୍ଭ ବାଁକୁ ବୁଲିବା ରାଇଟ୍ ହେୟାର୍ ପିନ୍ ବେଣ୍ଡ ମାନେ ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଧା ଆସିବା ଲେଫ୍ଟ ହେୟାର୍ ପିନ୍ ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ର ଯେମିତି ଦେଇଛି ରାଇଟ୍ ରିଭର୍ସ ବେଣ୍ଡ ପୁଣି ରାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଧା ଯିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଆରୋ ମାର୍କ ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଲେଫ୍ଟ ରିଭର୍ସରେ ଲେଫ୍ଟରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଧା ଯିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଷ୍ଟିପ୍ ଆସେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଉଠାଣି ଷ୍ଟିପ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ଗଡ଼ାଣି ହଁ କି ନାହିଁ ନ୍ୟାରୋ ରୋଡ଼ ଆହେଡ୍ ଆଗକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ରୋଡ଼ ୱାଇଡ଼ନେସ୍ ଆହେଡ୍ ଆଗକୁ ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ନ୍ୟାରୋ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଲିପରି ଖସଡ଼ା ରୋଡ଼ ହଁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଲୁଜ୍ ଗ୍ରାଭେଲ ମାନେ ସେଠି ମାଟି କଚା ମାଟି ଅଛି ସାଇକେଲ କ୍ରସିଂ ସାଇକେଲ ଯିବା ସେ କରିପାରେ ପେଡ଼େଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ମାନେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହଁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଇଛି ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ରହିବା ଗିଭ୍ ୱେ ମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବା ୱାନ୍ ୱେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇପାରିବ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ୱାନ୍ ୱେ ସେମିତି କହିଲି ମୁଁ ୱାନ୍ ୱେ ବୋଥ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉଭୟ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ୱାନ୍ ୱେ ହଁ କି ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ଡାହାଣକୁ ଯିବା ମନା ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ବାମକୁ ଯିବା ମନା ୱାନ୍ ୱେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଟ ୟୁ ଟର୍ନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏମିତି ଯାଇକି ପୁଣି ସେମିତି ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଓଭରଟେକିଂ ମନା ଓଭରଟେକିଂ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ରେ ହର୍ନ୍ସ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ହର୍ନ ମାରିବା ମନା ସ୍ପିଡ଼୍ ଲିମିଟ୍ ଧର ଲେଖାହେଇଥିବ 65-50 ଲେଖାହେଇଥାଏ ମାନେ ସେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚଲେଇ ପାରିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହଁ କମ୍ପଲସରି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପଲସରି ବାଁକୁ ତୁମେ ବୁଲିବ କମ୍ପଲସରି ଆହେଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ କମ୍ପଲସରି ଟର୍ନ ରାଇଟ୍ ଆହେଡ୍ ଓକେ କର୍ନ ଲେଫ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପଲସରି ଡାହାଣକୁ ଯିବ ନହେଲେ ସିଧା ଯିବ କମ୍ପଲସରି କିପ୍ ଲେଫ୍ଟ ପୁରା ବାଁକୁ ହିଁ ଯିବ କମ୍ପଲସରି ସାଉଣ୍ଡ ହର୍ନ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଏମିତି ତାକୁ ଲେଖିବ ନୋଟ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି ଓକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍କ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ନୋଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରାମାର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା ତୁମର କାମ ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଅଲ୍